जय यीशु प्रभु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 पर संख्या 26। तुम सब जो मेरे लिए तरसते हो मेरे पास आओ और मेरे फल खाकर तृप्त हो जाओ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो तरसते उसके पास आओ, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो पूर्ण रूप से हमें भरता है। और हर चीजों से परमेश्वर हमें, हर एक चीजों से हमें भरने के बाद हम किसी चीज का भी प्यास नहीं करेंगे। वचन आज हमें कहता है कि हम जैसे भी है परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि मेरे भाई और बहन, हम जहां भी जाते हैं हम हमेशा प्यासे रहते हैं। हमें हमेशा चंगाई की तलाश है, हमें हमेशा छुटकारा चाहिए, बंधनों से छुटकारा चाहिए। घर में आती स्थिति खराब है, हर एक चीज हमारा पूर्ण रूप से अधूरा है। वचन आज हमसे कह रहा है जो भी अधूरे हो परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि जब हम उसके पास आते हैं वो पूर्ण रूप से हमें संपूर्ण बनाता है, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण है। आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सब जन से एक ही चीज कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से भरने के लिए तैयार हूं। तो आज मेरे भाई और बहनों, हम उन सब जन के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके घर में परिस्थिति खराब है, जो पूर्ण रूप से बीमारी में, दुख में, तकलीफ में जूझे हुए हैं। आज वो सब जन को, जहां भी वचन ये जा रहा है, जो भी देख रहे सुन रहे, आज सब जन परमेश्वर आप जन से कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं हम एक नया सृष्टि बनते हैं, हमारा पुराना निकल जाता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर जिनके भी साथ था वो सब बढ़ोतरी पाए, आत्मिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में, काम में, हर चीज में वो लोग बढ़ोतरी पाए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो मेरे भाई और बहनों, आज अगर हम परमेश्वर को अपने साथ इस दिन पूर्ण रूप से चलाने के लिए बुलाएंगे, हम जो भी चीज करेंगे उसमें बढ़ोतरी पाएंगे। तो इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर तू जानता है कि हम प्यासे, परमेश्वर तू जानता है कि अपने हृदय के अंदर हमारा वो चोट है, जहां हम हर जगह जाकर परमेश्वर तेरे वो चोट को, उस खालीपन को भरने की कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर फिर भी वो खालीपन हमारे जीवन को छोड़ता नहीं। आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि तू पूर्ण रूप से हमें भर। आज तेरा वचन कहता है कि हम तेरे पास आएंगे तो तू हमें भरेगा, हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर संपूर्ण बनाएगा। तो आज परमेश्वर हमें संपूर्ण बना, कि हम जो भी चीज करें परमेश्वर हर एक चीजों में सफलता पाए, क्योंकि तू परमेश्वर योग्य है हर एक चीज का, और तूने हर एक चीज बनाया है। अगर हम चीज तेरे द्वारा करते परमेश्वर, हर चीजों में हम अपने आप को भरते हुए देखेंगे। तो आज परमेश्वर यही प्रार्थना तेरे नाम से सुबह मांगते और कबूल करते हैं, आमेन। जय श्री।